পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের পক্ষ থেকে মালদার রেলওয়ে কলোনি এলাকায় সাফাই অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার সকালে পূর্ব রেলের মালদা বিভাগ একটি পরিকল্পনা তৈরি করে, যার অধীনে মালদার আটটি রেলওয়ে কলোনির জন্য মনোনীত আধিকারিকদের সচেতনতা বিকাশ, সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং স্যানিটারি অনুশীলনগুলি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দেওয়া। এদিন সাফাই অভিযানে পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন DRM বিকাশ চৌবে। নমস্কার, আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের নিউজ দেখার পর একটা লাইক এবং একটা শেয়ার করুন। ভালো ভালো নিউজ দেখতে পেজটি লাইক করে দিন। टाइप वन कॉलोनी में आए हैं और टाइप वन कॉलोनी में हम लोगों का ये श्रृंखला में दूसरा इस तरह का विजिट है। हम लोग लास्ट वीकेंड में, लास्ट सैटरडे में हम लोग महानंदा कॉलोनी में गए थे। इस तरह से आठ कॉलोनीज हैं मालदा डिवीज़न के मालदा हेडक्वार्टर में, और हम लोगों का ये प्लानिंग है कि हर कॉलोनी में एक टीम बना कर के लेडीज़, बच्चे, जो कॉलोनी के रेजिडेंट्स हैं, जो ऑफिसर्स हमारे साथ आए हैं, जैसे EDRM साहब हैं, CMS साहब हैं, हमारी वाइफ भी आई हैं, तो हम लोग सब लोग, और सीनियर DN कोऑर्डिनेशन की डॉटर भी आई थी, तो बच्चे, लेडीज़ और ऑफिसर्स, कॉलोनी के रेजिडेंट्स, सब लोग मिल कर के सफाई रखने के लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सफाई हम एक बार कर दें, हमारा उद्देश्य ये है कि सफाई हमको रखनी है। तो उसके लिए जो यहाँ के कॉलोनी के रेजिडेंट्स हैं, उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, और उनके साथ काफ़ी बातचीत हुई है, उनके साथ संवाद हुआ है, उनके साथ मिल कर के हम लोगों ने क्लीनिंग करी है यहाँ पर, और साथ में CMS साहब ने जितने भी कूड़े के डंप्स हैं उनका भी निरीक्षण किया है, और उनके कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे साथ हैं। आपका क्या शुभ नाम है? बाबूशेर गुप्ता। तो बाबूशेर गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, और ये भी हमारे साथ इसमें सहयोग करेंगे, और इसकी मॉनिटरिंग भी होगी डिवीज़न के द्वारा, और इसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। मालदा থেকে দেবু সিং এর রিপোর্ট, আনন্দ বার্তা।